हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आंवला का मुरब्बा। आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है 1 किलो आंवला, 1 किलो चीनी और 6-7 इलायची और कुछ पान मधुरी और ब्लैक सॉल्ट, और लेंगे थोड़ी सी फिटकरी। इतनी सामान से ही हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं आंवला हमारी सेहत के लिए कितने बेनिफिट है, और बालों के लिए तो ये रामबाण है, बच्चों के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, हर किसी के लिए ये फायदेकारी है। इसलिए आंवला हमें हर साल एक दो बार ज़रूर खाना चाहिए। तो आइए आंवला का मुरब्बा शुरू करते हैं। आंवला को हम अच्छी तरह से धो के उसको कांटे चम्मच में अच्छे से गोद लेते हैं, फिर पानी में 2 दिन फिटकरी पानी में भिगो के रखे। उसके बाद फिर से धो के उसको अच्छी तरह से साफ कर लिए। उसके बाद चलिए अगले प्रोसेस करते हैं। अब गैस पे हम पानी चढ़ा लिए हैं, पानी को अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। पानी बॉयल हो जाने के बाद थोड़े थोड़े करके आंवला उस पर डालते जाएंगे। तो सारे आंवले डाल देंगे, उसके बाद उसको अच्छी तरह से पकने देंगे। अच्छी तरह से पक जाए तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद उसको पानी से बाहर निकाल के उसको ठंडे होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। पूरा ठंडा नहीं होना चाहिए, उसमें चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी ऐड करके चीनी को उसमें मेल्ट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। फिर से ढककर रख देंगे। ढक के रखने के बाद थोड़ी देर के बाद हम उसे देखेंगे, उसकी चीनी सारे ऑब्जर्व हो गए हैं, चीनी से पानी निकलने आई है। पानी निकलने के बाद हम उसको फिर से गैस पे चढ़ा देंगे। गैस का फ्लेम सेम कर लेंगे, सेम में ही उसे अच्छी तरह से पकने देंगे। वो अच्छी तरह से पक जाए तो फिर उसको गैस का फ्लेम बंद करेंगे। तो दोस्तों, देख रहे हो यहाँ पे हमारे आंवले अच्छे से पक गई है। हम उसे थोड़ा चेक कर लेंगे, उसकी सीरा ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे आंवले के मुरब्बे रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट, और डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और उसमें डालेंगे पान मधुरी पाउडर। उसको डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारे मुरब्बे रेडी हो गई है। अभी हम उसको और एक प्लेट में थोड़ी थोड़ी करके निकालते जाएंगे और उसको ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे ही सारे मुरब्बे को निकाल के अलग से एक बाउल में रख देंगे। उसको 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडे होने के लिए। उसके बाद जाके उसको जार में भर कर रखेंगे, और ये साल भर रहती है, ख़राब नहीं होती है। और डेली खाना खाने के बाद एक मुरब्बा आप खा लेंगे तो आपका हाजमा भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी इसे घर पर बनाइए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और आपको मेरी चैनल अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।